कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत सारी बधाई। आइए इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवत गीता से लाइफ को जीने का तरीका सीखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वो महाभारत में दिए। महाभारत सृष्टि का सबसे बड़ा और महाविनाशक युद्ध। ये युद्ध सिर्फ पांडवों के लिए कौरवों को नफरत का नहीं था। महारानी सत्यवती का अपने बच्चों के लिए भविष्य को लेकर, महाराज धृतराष्ट्र का अपने सौतेले भाई को लेकर, शकुनी का अपनी बहन के विवाह को लेकर, दुर्योधन का राज्य जमीन को लेकर, महारानी द्रौपदी का अपने अपमान को लेकर, गुरु द्रोणाचार्य का अपने पुत्र मोह को लेकर, भीष्म पितामह जी का अपने परण और धर्म को लेकर और करण का उत्तम सिद्ध होने को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि महाभारत का युद्ध दुर्योधन या उसके साथियों के अधर्म की वजह से नहीं हुआ, बल्कि करण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामर्थ्य की वजह से हुआ, जिन्होंने अधर्म का साथ दिया। गीता हमें बताती है कि अधर्म कभी भी अधर्मियों की वजह से नहीं होता, बल्कि धर्म जानने वाले और जिनके पास सामर्थ्य है उनके कुछ ना करने से होता है। तो गीता से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पावर, पोजीशन, सपोर्ट या नॉलेज है या कुछ भी ऐसा है जिससे सोसाइटी की हेल्प हो सके तो उसे यूज कीजिए और विश्व कल्याण में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि इस धरती पर हर कोई, आई रिपीट, हर कोई कुछ ना कुछ योगदान देने ही आया है। श्री कृष्ण हमारे जीवन को सफल बनाए। जय श्री कृष्ण।